Hi everyone, hope you all are doing great. Let's start with question number 9 of our series jo hum CA Intermediate November 19 examinations ke liye kar rahe hain. This is question number 9 and it says Ramdeen working as a manager sales with Frozen Foods Limited. Employee salaried assess hi hai, salary income aane wali hai. And he receives the following things from his employer: basic salary, DA, commission, turnover of the company, bonus, gratuity. और आगे भी नेक्स्ट पेज पर कुछ चीज़ें दी गई हैं. इट मींस आपको हमेशा पता है जब भी सैलरी का क्वेश्चन करें तो लिस्ट बना लें कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या मिल रहा है और उसको अकॉर्डिंगली टैक्सेबल करिएगा. आपको पता है कुछ चीज़ें फुली टैक्सेबल हैं, कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट भी होती हैं. तो पहली चीज़ है बेसिक सैलरी. यू अंडरस्टैंड इट इज़ फुली टैक्सेबल. पूरा 12 महीने के लिए टैक्सेबल कर दीजिएगा. देख लिया कीजिए कहीं एम्प्लॉय बीच में रिटायर तो नहीं हो रहा है या रिज़ाइन तो नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मंथ्स वहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं. यहाँ पर तो पूरे 12 महीने के लिए आप टैक्सेबल कर दीजिए. DA अगेन इट इज़ फुली टैक्सेबल. ब्रैकेट में दिया गया है 50% फॉर्मिंग पार्ट. अगर हमें HRA की कंप्यूटेशन करानी होगी या PF की कंप्यूटेशन करानी होगी, RPF की, तब ये काम आएगा फॉर्मिंग पार्ट. अदरवाइज तो फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा. कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 0.5%. इनको कमीशन भी मिलता है कंपनी की तरफ से. इन्होंने टर्नओवर अचीव कराया होगा 50 लाख, दिया गया है आपको, उसका 0.5% इज़ फुली टैक्सेबल. और याद रखिए जब कभी भी आपको RBS सैलरी निकालनी पड़ती है, RBS का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, तो आप तीन कंपोनेंट लेते हैं, बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट, प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर. तो यहाँ पर वो तीनों कंपोनेंट हैं. तो जब कभी भी अगर आपको HRA की कैलकुलेशन करनी है या PF की कैलकुलेशन करनी है तो आप वो कंपोनेंट ले लीजिएगा. बोनस 50,000 रुपीज़, इट इज़ फुली टैक्सेबल. ग्रैट्यूटी 30,000 रुपीज़. ग्रैट्यूटी के बारे में आप जानते हैं, अगर वो रिटायरमेंट पर मिले तो वो एग्जेम्प्ट हो सकती है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट. तीन लिमिट्स होती हैं. बट अगर वो ड्यूरिंग योर जॉब मिले, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस मिले, तो फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा. यहाँ पर ये रिटायरमेंट पर नहीं मिल रही है तो पूरी तरीके से टैक्सेबल हो जाएगी. आगे लिखा हुआ है ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF. आप जानते हैं दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, जो अपनी सैलरी में से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये एक अलग से इनकम नहीं होती है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट. और इस इन्वेस्टमेंट की 80C में डिडक्शन भी मिलती है चैप्टर 6A की. तो अगर आपको टोटल इनकम निकालनी होगी तो चैप्टर 6A की डिडक्शन दे दीजिएगा. This own contribution is not salary, this is an investment. आगे लिखा है employer contribution to RPF 20% of basic salary. सबसे पहले basic salary का 20% calculate कीजिए. आपको ये भी पता होगा कि RPF पूरा taxable नहीं होता है, इसमें से minus कीजिए 12% of salary. सैलरी का मतलब है यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, जिसकी बातें मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था. RBS सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट, प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर. उसका सैलरी निकालिए, उसका 12% निकालिए, उतना एग्जम्प्ट कर दीजिएगा और बाकी का टैक्सेबल कीजिए. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड या क्रेडिटेड इन RPF एट रेट ऑफ 8.5% और उसका अमाउंट है 15,000. इंटरेस्ट के बारे में भी आप जानते हैं, अप टू 9.5% रेट होगा तो एग्जेम्प्ट है, उससे ज़्यादा होगा तो इन एक्सेस ही टैक्सेबल होता है. तो क्योंकि यहाँ पर नॉट मोर देन 9.5% है तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा. गोल्ड रिंग वर्थ ₹10,000 वॉज गिवन बाय द एम्प्लॉयर ऑन इज 25th वेडिंग एनिवर्सरी. गिफ्ट है 5,000 से ज़्यादा का है, टैक्सेबल कर दीजिएगा. दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पूरा टैक्सेबल कीजिए, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इन एक्सेस ऑफ 5,000 टैक्सेबल कीजिए. तो आप दोनों में से कोई भी व्यू ले सकते हैं. आई एम टेकिंग इट फुली टैक्सेबल. एंड द लास्ट पॉइंट इज इन सैलरी इज म्यूजिक सिस्टम परचेज्ड ऑन 2/4/17 बाय द कंपनी ऑफ ₹85,000 एंड वॉज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज. इनको पर्सनल यूज के लिए म्यूजिक प्लेयर दिया गया है जो कंपनी ने लगभग 2 साल पहले परचेज किया था. इसके बारे में आप जानते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें कोई कंपनी के एसेट्स अगर एम्प्लॉय को दिए जाएं, अदर देन लैपटॉप, अदर देन कंप्यूटर, अदर देन मोबाइल फ़ोन, इनके अलावा अगर कोई भी एसेट्स दिए जाते हैं, दैट बिकम्स अ टैक्सेबल परक्यूजेट.
कितना लेते हैं? अगर ये एम्प्लॉयर ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, रिटन डाउन वैल्यू नहीं। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है रिटन डाउन वैल्यू देकर, पर प्लीज आप ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% पर एनम ले लीजिएगा। या फिर अगर ये एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर आपको दिए हैं, यानी कि ये एम्प्लॉयर ओन्ड नहीं है, तो फिर एक्चुअल हायर चार्जेस ही परक्यूजिट बनता है। तो हेयर इट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो आप 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ले लीजिएगा। नेक्स्ट गिवन है रिसीव्ड इंटरेस्ट 5860 ऑन बैंक FDR, बैंक की FD पर इंटरेस्ट मिला है, दैट इज IFOS इनकम। डिविडेंड मिला है इंडियन कंपनी से 1260, दैट इज एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट होता है। 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिले तो टैक्सेबल होता है, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख, यहाँ पर तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे मिला है डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट 7540, अगेन IFOS की इनकम हो जाएगी। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है, दो हेड से इनकम आ रही है, वन इज फ्रॉम सैलरी, अदर इज फ्रॉम IFOS, दोनों की इनकम को कंप्यूट कीजिए। अपने सॉल्यूशन भी चेक कर लीजिएगा, मैं वीडियो के एंड में इसकी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। दोनों इनकम को कंप्यूट कीजिए, GTI आएगा, GTI में से चैप्टर 6 से की डिडक्शन दे दीजिएगा, ATC से ATU, जहाँ पर ATC की डिडक्शन एक आ रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, आप उसको डिडक्शन देने के बाद टोटल इनकम निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर का टैक्स भी कंप्यूट करिएगा। इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ कर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।